हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AIB फैमिली में। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने ड्रीम स्मार्टफोन को जिसको आप परचेज करना चाहते हो आप उसको कैसे एकदम जीरो मनी पे परचेज कर सकते हो। आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पैसे खर्च करोगे वो आपको 12 महीने या 18 महीने जो भी आप प्लान चूज करोगे उसके बाद वो 100% आपको वापस मिल जाएगा। जो भी आप फ़ोन परचेज करना चाहते हो आप उसको बड़े ही आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप कभी उसको मिस ना कर सके। और ऐसे ही टेक वीडियो, टेक टिप्स और अनबॉक्सिंग वीडियोस, गिवअवे वीडियोस एंजॉय करते रहिए हमारे चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट लेकर के आया है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक। तो ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक है क्या एक्चुअली में, तो आप लोग बने रहिए मैं अभी आपको बता देता हूँ आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक आज यानी कि 17 जनवरी से दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आप फ्लिपकार्ट से जा करके इसको अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोन सेलेक्ट करना होगा जिसको भी आप परचेज करना चाहते हो। तो परचेज करने के दौरान जब आप नीचे क्रॉल करके आओगे वहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो आपको इसमें से कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। आपको कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कोई भी एक पैक सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि जो आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, आपको कोई हेल्थ वाला चाहिए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आप कोई भी पैक एक सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपको 12 मंथ वाला पैकेज चाहिए या 18 मंथ वाला। तो फिर इसके बाद जो है आप फर्दर डिटेल पे जाओगे तो आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी रहेगा वहाँ पे फिल कर देने के बाद आपका पैकिंग सिलेक्शन हो गया। बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपको जब बाई करने जाना है तो डायरेक्ट बाय नाउ पे नहीं क्लिक कर देना है, वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक वाले प्लान पे क्लिक करने के बाद फिर आगे डिटेल में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ तक आ जाने के बाद आप लोगों ने सारे प्लान वगैरह तो सिलेक्ट कर ही लिए, फिर अपना एड्रेस वगैरह जो भी है सब कुछ फिल कर देने के बाद आपको चेकआउट करना है। तो याद रहे दोस्तों चेकआउट के टाइम पे आपको फ़ोन का वैल्यू साथ ही साथ आपने जो पैक सेलेक्ट किया है 12 महीने या 18 महीने का उसके बाद उतना तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए बोला था कि आपको जीरो पेमेंट करना है क्योंकि आपको जब भी आप 12 महीने या 18 महीने का आपने जो भी प्लान लिया है आप उसके बाद जो है कि 12 महीने या 18 महीने पे आप उसी फ़ोन को 100% रिप्लेस कर सकते हो। आपको जिस अकाउंट से आप पैसे पेमेंट किए रहोगे सेम अकाउंट में आपको टोटल मनी जितना पेमेंट रहेगा आपको डिलीवर हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट जब आप फ़ोन को 12 महीने या 18 महीने बाद रिप्लेस कर रहे हो उस टाइम पे आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए और आपके स्क्रीन पर बस कैसे भी करके आपका IMEI नंबर शो होना चाहिए, तो आपका फ़ोन बड़े आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। तो यही थी कुछ डिटेल दोस्तों जो कि मैं आपको देना चाह रहा था फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक के बारे में। इसीलिए मैं बोला हुआ था कि आप किसी फ़ोन को जीरो मनी से खरीद सकते हो, आपको कोई भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एट द टाइम आप चेकआउट आपको फ़ोन की वैल्यू साथ ही साथ आपको जो पैक आप सेलेक्ट किए रहोगे वो आपको पेमेंट करना होगा। फिर आपको 18 से 12 महीने बाद आप चाहो तो उसको बड़े आसानी से आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। आपको पैसे जो है कि टोटल जिस अकाउंट से पेमेंट किए रहोगे उसी अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। तो यही थी कुछ डिटेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक देना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दिए ताकि सभी को इस प्लान के बारे में पता चल सके फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक के बारे में। जो भी इसको परचेज करना चाहते हैं 12 से 18 महीने के बाद अपने पैसे को वापिस पा सकते हैं। बस दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही टेक वीडियोस, टेक टिप और बहुत सारी अनबॉक्सिंग गिवअवे भी मिलता रहता है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।